जमीन हड़पने मामले को लेकर शनिवार को झरिया के साहू समाज झरिया थाना पहुंचे। थाना के मुख्य गेट पर साहू समाज ने झरिया थाना प्रभारी से धर्मशाला का जमीन मुक्त कराने को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। साहू समाज के अध्यक्ष श्रवण साव ने बताया कि साहू समाज के धर्मशाला बनाने के लिए जमीन खरीदा था। उक्त जमीन को समाधान के चंदन सिंह और उनके पिता सिरराम सिंह कब्जा कर रहे हैं। जब उनसे बात करने के लिए साहू समाज गया तो चंदन सिंह गाली गलौज करते हुए कहने लगे, जो करना है कर लो, एसपी डीआईजी तो हमारे पॉकेट में रहते हैं। पूरा साहू समाज झरिया थाना पहुंचे हैं और थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह से न्याय की मांग करते हैं। पुलिस द्वारा फिलहाल काम को रुकवा दिया गया है। पूर्व पार्षद अनूप साहू ने कहा कि समाज के उत्थान और भलाई को लेकर साहू युवा मंच के द्वारा 20 जनवरी 2023 को राजेश कुमार दत्ता से जमीन धर्मशाला बनवाने के उद्देश्य से लिया गया था। एक साल के बाद समाधान संस्था के संचालक चंदन सिंह एवं उनके पिता सिरराम सिंह के द्वारा उक्त जमीन को अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज साहू युवा मंच के सैकड़ों लोगों ने झरिया थाना पहुंच न्याय की गुहार लगाई है। समाधान संचालक के द्वारा साहू समाज का जमीन कब्जा किया जा रहा है और मना करने पर बड़े बड़े अधिकारियों का ध्वज दिखाया जाता है। झरिया थाने के बाद समाज के सैकड़ों लोगों ने झरिया अंचल कार्यालय पहुंच अंचलाधिकारी को आवेदन देने के लिए घंटों इंतजार करते दिखे। अब सवाल उठता है कि संस्था चलाने वाले संचालक के द्वारा समाज की जमीन कब्जा करना कहाँ तक उचित है। बताते चलें कि समाधान संस्था हमेशा विवादों में रहा है। पिछले दिनों में उनके ही संस्था का एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें संस्था के संचालक पर गंभीर आरोप लगा था। ये दूसरा मामला है जो साहू समाज का जमीन ही कब्जा किया जा रहा है। कुछ महीने पूर्व साहू समाज के द्वारा चंदा इकट्ठा कर जमीन खरीदा गया था धर्मशाला बनाने के लिए, और उसी समय भूमि पूजन भी किया गया था, और कुछ दिन के उपरांत भवन बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, चंदा वगैरह चल रहा था अभी। इसी बीच एक एनजीओ चलाते हैं चंदन सिंह नामक लड़का और उनके पिता श्रीराम सिंह, दोनों के द्वारा वो जमीन पर अपना कब्जा दिखा रहे हैं और अवैध निर्माण कर रहे हैं। अरुण साहब मांग कर रहे हैं कि अगर जिसका जमीन सही है उसका उसको फैसला दिया जाए, और का जिसके पास कागजात है देख कर क्लियर किया जाए। समाज कल्याण के उद्देश्य से क्रय की गई जमीन पर अवैध कब्जा की सूचना हमारे युवा मंच के अध्यक्ष श्रवण साव जी ने दिया है। इसके निमित्त समाज के सारे लोग, सारे बंधु जो है थाना परिसर में आए हैं और थाना प्रभारी से हम मांग कर रहे हैं कि एक अच्छा काम के लिए सामूहिक रूप से एक दूसरे के सहयोग से चंदा इकट्ठा करके जमीन खरीदी गई है जन कल्याण हेतु, समाज कल्याण हेतु, और उस जमीन पर जो है दबंगई कर करके अगर मान लीजिए कोई अवैध जो है कब्जा करना चाहता है तो ये तो होने नहीं देंगे। कब्जा कौन कर रहा है, अवैध कब्जा कौन कर रहा है? ये एनजीओ संस्था के समाधान संस्था के चंदन सिंह हैं और उनके पिता श्री हैं श्रीराम सिंह। तो ऐसा सूचना मिला, इसके लिए हम लोग थाना प्रभारी पास आए हैं कि भाई इसको रोकिए, गलत है। एक अच्छा काम के लिए जब वो एनजीओ चलाते हैं तो उसका तो विवेक होना चाहिए, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए उनको। क्या इसका लिखित शिकायत आप एसडीएम को भी देंगे? हम लिखित शिकायत यहाँ भी दिए हैं, अंचल अधिकारी को दिया, और इसकी सूचना धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी को भी देंगे कि ये गलत है। एक अच्छे काम के लिए कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसका इस तरह से कोई अगर अवैध कब्जा करना चाहता है तो उसको रोक लगाया जाए, उस पर विराम लगाया जाए। इसके लिए कि आप उनसे बात कर लेंगे तो क्या बोले? थाना प्रभारी ने अभी सूचना मिली है कि उन्होंने काम रोका है और कागजातों को, दोनों कागजातों की जाँच करेंगे। ये जो अवैध कब्जा की उनके पास गए थे बात करेंगे तो वो क्या बोले? वो लोग तो दबंगई पूर्वक जो है बात करते हैं, बोलते हैं हम लोग तो आईजी डीआईजी के साथ उठना बैठना है हमारा, तुम लोग को जमीन का पेपर है उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो बताएंगे ना, अब तो इसके लिए वो खुद जा करके अंचल अधिकारी पास कागजात प्रस्तुत करें, हमने तो प्रस्तुत किया है, दिया है, हमारे पास है, हम बता रहे हैं। हमारे समाज के जमीन खरीदे थे, वो जमीन पे चंदन सिंह और उनके बाबूजी श्रीराम सिंह जो है मतलब कब्जा कर रहे हैं। उसको समझाने के लिए गए हैं तो गाली गलौज करके बोला एसपी डीएसपी डीआईजी तो मेरा पॉकेट में रहता, तुमको कहाँ जाना है जाओ। चंदन सिंह जमीन आपका कहाँ? जमीन मेरा एक्सचेंज ऑफिस के सामने में है, मानबाद मोहल्ला पड़ता है। विवाद ये है कि हमारा जमीन है,
अब उसमें कब्जा कर रहा है तो उसको तो मना करने जाएंगे, नहीं तो प्रशासन के पास तो जाएंगे ना, समाज के पूरा, हाँ पूरे समाज का जमीन है, हाँ चंदा करके जमीन लिए हैं। अभी थाना आए हैं तो इंस्पेक्टर साहब बोले हैं कि काम वहाँ रुकवा देते हैं, पेपर जो है आप अपना जमा करिए, उसको बुलवाते हैं। जमीन कब खरीदे थे? ये जमीन खरीदे थे जनवरी में इसी साल, 2023 जनवरी। क्या नाम है? मेरा नाम सरवन साहु। समाज का नाम बता दो। साहु समाज का अध्यक्ष हैं।